पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। दोस्तों, अगर हौसला हो तो इंसान कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। कुछ ऐसा ही MRF टायर कंपनी के मालिक AM मेमन मेपल्ली ने कर दिखाया। एक वक्त था जब मेमन बैलून बेचने का काम करते थे, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के दम पर MRF जैसी कंपनी खड़ी कर दी। आज MRF टायर की कंपनी का मार्केट 22,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। MRF टायर यानी मद्रास रबर फैक्ट्री आज टायर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। लेकिन एक दौर था जब इस कंपनी को शुरू करने वाले शख्स के AM मेपल्ली ने सड़कों पर बैलून बेचने का काम करते थे। मेमन आज़ादी से पहले केरल की सड़कों पर पैदल घूमकर एक बैग में बैलून रखकर बेचा करते थे। मेमन के पिता ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और जेल भी गए। मेमन के पिता जब जेल में थे तो बैलून बेचकर अपना परिवार चलाया करते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। मेमन ने ग्रेजुएशन भी टायर मैन्युफैक्चरिंग में ही की थी। फिर करीब 6 साल तक बैलून का कारोबार करने के बाद 1946 में ट्रीड रबर बनाना शुरू कर दिया। 24 साल की उम्र में ही मेमन ने बिजनेस शुरू कर दिया था। शुरुआत में एक छोटे कमरे में बैलून और बच्चों के खिलौने बनाने वाले मेमन अब रबर और टायर का बिजनेस में आ गए थे। मेमन ने 1960 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। उन्होंने रबर और टायरों के बारे में अच्छी जानकारी थी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद मेमन ने टायर बनाने के लिए अमेरिका की मैसफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ टाई अप किया। 1967 में MRF अमेरिका की एक्सपोर्ट करने वाली पहली कंपनी बन गई। तो वहीं 1973 में कंपनी ने देश में पहली बार नायलॉन का टायर लॉन्च किया। साल 1979 में तक कंपनी का नाम विदेशों में फैल चुका था, लेकिन इसी साल अमेरिका कंपनी मैसफील्ड ने MRF से अपनी हिस्सेदारी खत्म कर ली। इसके बाद कंपनी का नाम MRF लिमिटेड हो गया था। इसके बाद मेमन ने छोटी छोटी बड़ी कई कंपनियों के साथ टाई अप करते हुए एक नया मुकाम हासिल किया। साल 2003 में 80 साल की उम्र में मेमन का निधन हो गया, लेकिन मेमन तब तक कंपनी की टायर की फील्ड में अपना नंबर वन बना चुके थे। मेमन के जाने के बाद इनके दोनों छोटे बेटों ने बिजनेस की कमान संभाली और लगातार ग्रोथ करते रहे। यही मेमन की हिम्मत और उनके बेटों की काबिलियत है कि आज हमारे 22,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। इसके एक शेयर की 52,000 रुपये कीमत है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। तभी तो दोस्तों कहते हैं ना, हर सपने को अपनी आंखों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत है आपकी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Thank you.